हैं वो सरोज, आज अपन बनाएंगे अचारी करेले। गुड मॉर्निंग, चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये इस प्रकार के करेले मिले हैं, बच्चों से मंगाए थे। इन्होंने करेले दो प्रकार के होते हैं, परंतु ये ऐसे ऐसे करेले लेकर के आए हैं और सब्जी वाले ने इनको शायद पुराने वाले करेले भी दे दिए, तो कोई बात नहीं, चलो अपन इसको अचारी करेला बनाते हैं। इस प्रकार हमने इस करेले को छील लिया है और छील करके हमने इसको मतलब पहले तो धो करके साफ कर लिया था प्लेन अच्छा, फिर इसको हमने छिला है और छिल करके इसके छिलकों को भी हम नहीं फेंकेंगे, इसको भी हम मसाले के रूप में काम में लेंगे। आपने करेले तो बहुत सारे खाए होंगे, पर ये इस प्रकार अचारी करेला अगर बना करके खाओगे तो न तो ये कड़वा लगेगा और ये 5-7-8 दिन तक भी आप इसको रख के स्टोरेज कर सकते हो और 8 दिन तक आप खा सकते हो इस करेले को। तो इस प्रकार हमने इसको गोल गोल काट लिया है। गोल गोल काटने के बाद में हम इसको जो पानी के अंदर उबालेंगे और अब हमने ये गैस के ऊपर प्लेन रखा है, इसको हम पानी में उबालेंगे। एक से दो गिलास पानी डाला है मैंने। नमक डाला है, और इसमें हम ये करेला डाल देंगे। पूरा डाल देंगे इसके अंदर उबालने के लिए। अब करेला उबलता है इतने में आपको मसाला दिखा देती हूँ। इसमें अचारी करेले में मैंने पीली सरसों ली है 1 चम्मच, काली सरसों ली है और सौंफ ली है, और तीनों को मिला करके मैंने ये पाउडर बना लिया है, खुद के दरदरा पाउडर बना लिया है, और ये थोड़ा सा मेथी पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, और ये कलौंजी है जो अचारी करेले में डालना ज़रूरी होता है, ये लाल मिर्ची है जो मेरे घर की बनी हुई है, ये गर्म मसाला है, ये भी घर का बना हुआ है, ये धनिया पाउडर है जो भी मैंने घर पर ही बनाया है। ये सारे मसाले मेरे होममेड मसाले हैं, कोई भी मसाला मेरा पैकिंग का नहीं है, क्योंकि पैकिंग के मसाले सारे ख़राब होते हैं। अब मैंने इसे लहसुन की कुड़ियाँ ली थी, जिनको मैंने बड़ी लहसुन की कुड़ियाँ हैं, जिनको मैंने ऐसे दो फांक से ऐसे मैं ऐसे ही डालूँगी इनको। ये भी बहुत टेस्टी इसमें लगती है, अगर आप इस प्रकार से डालोगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसमें मैंने 2 हरी मिर्ची भी काट के रखी है, ये 2 हरी मिर्ची है जो काट के रखी है, ये प्याज है बारीक बारीक काट के रखा है, ये इसका छिलका है ये रखा हुआ है, और ये थोड़ा सा हमें जिसमें बेसन डालेंगे 2 चम्मच, ये केवल ये वाली 2 चम्मच है छोटी, और एक टमाटर है जो मैंने काट देती हूँ, इसको टमाटर भी हम इसके अंदर डालेंगे। एक छोटा टमाटर ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, ये करेला बहुत ही कम है, बंद कर दें। अब देखिए हमारा ये करेला उबल चुका है, थोड़ा सा और है, इसको हम इधर रख देते हैं, इतने मसाले की तैयारी करते हैं, इसको दूसरे गैस के ऊपर रख देते हैं। मैंने दूसरे गैस पे चढ़ा दिया इसको, अब मैं इसमें ये पैन चढ़ा रही हूँ, ये पैन चढ़ा दिया, पैन चढ़ा दिया, अब मैं इसमें तेल डालूँगी। इसमें तेल ज़्यादा लगेगा क्योंकि अपन अचारी करेला बना रहे हैं, तो अचारी करेले में हमेशा तेल ज़्यादा डलता है। तो ये 1, 2 और ये 3, मैंने 3 भर करके ये ऐसा डाला है तेल का। आप तेल कोई सा भी जो भी आप खाते हो वो यूज कर सकते हो, मैं मेथी का ये मूंगफली का तेल खाती हूँ, इसलिए मैंने मूंगफली का तेल यूज किया है। अब इसमें जो अपन डालेंगे जीरा 1 टेबल स्पून, ये जीरा डाला है मैंने, और ये 1 टेबल स्पून मैंने राई डाली है, अभी तेल अच्छा गर्म होने देते हैं। तेल अच्छा गर्म हो गया है, राई और जीरा तड़कने लगा है,
अच्छा तड़क जाएगा। उसके बाद हमें जो ये हरी मिर्ची डाली और ये जो हमने लहसुन काट के रखा था इसको भी डाल देंगे। और अच्छा फ्लेवर के लिए हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे, जिसको काट करके बारीक काट करके डालना है या तोड़ के भी डाल सकते हो। इससे अपने कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और हर सब्ज़ी में अगर आप कड़ी पत्ता डालते हो तो अपने लिए अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए भी, बालों के लिए भी। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। तब ये थोड़ा हमारा जो लहसुन है जो सुनहरा हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। लहसुन सुनहरा होने के बाद हम इसमें ये कलौंजी डालेंगे जो अचार में डलती है, ब्लैक कलर की होती है, पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, आप ले सकते हो। उसके बाद जो हमने ये पीली सरसों और काली सरसों और सौंफ, दो टेबल सौंफ थी और एक एक टेबल एक पीली सरसों और राइस थी, उसको कूट करके मैंने दरदरा बना लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। इसमें हींग भी है, हींग का फ्लेवर भी, और ये थोड़ा सा मेथी का पाउडर है ये डालेंगे, दाना मेथी का पाउडर। अब इससे हमारी जो खुशबू बहुत ही अच्छी, मतलब जैसे अचार की खुशबू अच्छी उसी खुशबू आ रही है। उसके बाद हम ये प्याज डाल देंगे, सुनहरे हो गए हैं सारे, ज़्यादा नहीं करना हमको, बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी आ रही है अचार वाली। गैस जो थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, इस प्याज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए जितना हम बन सकेंगे। प्याज हमारा हो रहा है, इधर हम करेला देख लेते हैं दबा करके, ये हो चुका है। अब इसको हमें जो इस छन्नी से छान देते हैं। पानी डालेंगे तो नमक वगैरह निकल जाएगा। अब इसको हम ऐसे रहना देते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए। अब इधर देखते हैं तो हमने जो ये छिलके बचाए थे करेले के वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। और ये टमाटर हमने काटा था एक, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इनको थोड़ी देर होने देते हैं। अब देखिए ये हमने जो प्याज और करेले के छिलके लहसुन वगैरह सारा डाला था वो बहुत अंदर थोड़ा बहुत कुक हो चुका है, टमाटर हमारा गल चुका है। अब इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। हमने नमक ये एक टेबल स्पून नमक डाला है, थोड़ा सा और डाल देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ये मसाले डालेंगे जो आपको बताया था, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है और ये मिर्ची पाउडर है। ये मिर्ची मैं जो तीखी वाली मिर्ची नहीं खाती हूँ, मीठी मिर्ची है जो वही घर पे पीसती हूँ। अगर आपको इसका कैसे बनाते हैं मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं आपको इसको बनाना बताऊँगी। और पैकिंग के पाउडर अगर आप खाते हो तो बहुत ही केमिकल वगैरह उसमें आते हैं और बहुत पुराने होते हैं। ये जो हम घर पे पाउडर बनाते हैं धनिया पाउडर वगैरह मसाले के सारे, तो ये जब चाहो जब बना लेते हैं ताज़ा खा सकते हैं। तो इसको मैंने मतलब डाल दिया है, थोड़ा सा मसाला अच्छा हो जाए। उसके बाद हम इसमें बेसन डालेंगे।
देखिए ये हमारा मसाला जो है इसने मतलब तेल छोड़ दिया है, ताकि ये तेल में अच्छे से मसाले हमारे हो गए। गैस जो हमने बिल्कुल मीडियम रखी है ताकि मसाले जले नहीं। अब इसके बाद हमने ये 2 टेबल स्पून मतलब सब्जी का जो होता है छोटा चम्मच, ये वाला हम जो है बेसन इसमें डाल देंगे। ज़्यादा बेसन डालेंगे तो क्या बेसन का स्वाद आएगा, करेले का स्वाद नहीं आएगा, इसलिए हल्का सा बेसन डाला है। इसको भी हम इसके साथ में कुक कर लेते हैं बेसन को भी, क्योंकि हमने बेसन को पहले सेका नहीं है इसलिए इसी में कुक हो जाएगा। और देखिए अब मसाला कितना अच्छा मतलब बन चुका है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। ये देखें जो ये लहसुन हम ऐसे लंबे लंबे काट के डालते हैं तो ये करेले के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं, और सौंफ का फ्लेवर इसमें आएगा, अचार का फ्लेवर आएगा, और करेला बिल्कुल भी है जैसे आप सोचते हो कि कड़वा लगेगा, नहीं लगेगा कड़वा, क्योंकि हमने इसको बॉईल किया है इस तरीके से। देखो ये आधा मतलब कुक हो चुका है, पूरा का पूरा ये ऐसे कट रहा है सारा, और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, और हमने इसको धो लिया है ठंडे पानी से। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं करेले को, अब ये मसाले के अंदर इसको कोट कर देते हैं। गैस जो हमारा लो टू मीडियम ही है, ऐसे करेले आपने नहीं खाए होंगे, करेले तो बहुत खाए होंगे बना करके, भरमा करेले वगैरह सारे खाए होंगे, तो इस प्रकार से अगर आप करेले बनाओगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे, और बच्चे तक भी खा लेंगे, इसको कड़वा नहीं होगा ये बिल्कुल, और उंगलियां चाट चाट के खाओगे इस तरीके से, अचारी करेला बनाओगे। ये करेला जो आपका 8-10 दिन तक ख़राब नहीं होगा, फ्रिज के अंदर रख सकते हो, तब मन हो तब निकाल करके खा सकते हो। अब हमने इसको थोड़ा अच्छा सा कोट कर दिया है, इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है और अच्छी तरीके से कुक हो जाए। ये इतना सा मैं पानी डाल रही हूँ, ये देखिए, ताकि जो हमारा मसाला जो है वो इस करेले के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से फूल करके चले जाए। अब इसको हम थोड़ी देर ढक देंगे। अब हमने देखो ये कम से कम 5 से 7 मिनट तक हमने ढक करके इसको पकाया था, कुक किया है। ये देखिए हमारा करेला जो है कितना अच्छा मतलब बना है, तेल भी छोड़ दिया है इसने, और जितना तेल हमने डाला वो सारा तेल छूट जाएगा, मतलब करेला बिल्कुल भी तेल अपने अंदर उपयोग नहीं करेगा, सारा तेल निकाल देगा, इसीलिए इसको अचारी करेला कहते हैं। और अगर आप इसमें और ज़्यादा तेल डाल करके रखते हो तो कम से कम 15 दिन तक तो आप इसको खा ही सकते हो, आप टिफ़िन में ले जाइए, पराठे के साथ में खाइए, या रात को बना करके रख दिए, अगर जाओ जॉब पे जा रहे हो तो आप टिफ़िन के अंदर इस करेले को ले जा सकते हो। अभी इस स्टेज पर हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, ये गरम मसाला मैंने घर पे बनाया है, किचन किंग मसाला, इसमें बहुत सारे फ्लेवर है, बहुत सारी चीज़ें डली हुई है, कम से कम 25 चीज़ें डली हुई होगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे बताना, तो मैं आपको ये बनाना बता दूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा अचारी करेला जो है बन करके तैयार ही है, टूट रहा है बिल्कुल मतलब हो चुका है, इसको थोड़ा सा हम फैला करके इसको 2-1 मिनट से खुला ही कुक करेंगे, थोड़ा सा इसको गैस को हम हाई कर देंगे। अब इसी पर हम थोड़ा धनिया डाल देंगे अंदर, फिर थोड़ा धनिया हम ऊपर डालेंगे ताकि धनिया का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। ये हमारा करेला बन चुका है, तो देखिए पूरा हमारा अच्छी तरीके से हो चुका है। अब हम इसको आपको
सर्व करना बताते हैं। इसमें मसाले का फ्लेवर वगैरह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आप मतलब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपके बच्चे अगर करेले नहीं खाते हैं तो हमने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। खाइए और अपना परिवार को खिलाइए। गुड बाय, टेक केयर। गुड बाय, टेक केयर। बस।